गुड इवनिंग, नमस्कार आप सभी को। जो लोग NTPC का तैयारी कर रहे हैं, जिनका रिजल्ट हो चुका है, और अभी इसमें और 3.5 लाख रिजल्ट जो है ऐड होना है, तो मोटा मोटी मान के चलिए कि NTPC का जो एग्ज़ाम अगर होगा, तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है, लगता है कि 4 तारीख के बाद, यानी कि फर्स्ट वीक में जो है रिजल्ट दे देना चाहिए। अब मार्च के फर्स्ट वीक में रिजल्ट दे देना चाहिए रेलवे का। उसके बाद जो है एग्ज़ाम जो है, इसमें आपको ज़्यादा जो है टाइम नहीं देने वाला है। मुश्किल से मार्च लास्ट में एग्ज़ाम होना है, मार्च लास्ट लास्ट तक एग्ज़ाम हो जाएगा कंप्लीट, यानी कि 20 के बाद हमको लगता है कभी भी एग्ज़ाम हो जाएगा मेंस का NTPC। उसके बाद जो है ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा, आपको अप्रैल तक हो सकता है, ये अनुमान है। और रिजल्ट जो देगा वो लेवल वाइज ही ज़्यादा देने का उम्मीद है। उसके बाद जो है देखिए कि इसमें आपका जो कंपटीशन है वो बढ़ गया है पहले की अपेक्षा। कंपटीशन इसलिए नहीं बढ़ा है कि रिजल्ट ज़्यादा देगा, कंपटीशन इसलिए बढ़ गया है कि जो जब टाइम ड्यूरेशन जो होता है PT के रिजल्ट का और मेंस के एग्ज़ाम के बीच का, उसमें ज़्यादा टाइम मिल जाना, ज़्यादा टाइम मिलने के कारण जो है एक कंपटीशन जो है बढ़ जाता है। जैसे आप देखे होंगे कि अभी बिहार SSC में भी जो PT और मेंस के बीच का दरमियान जो टाइम है बहुत ज़्यादा मिल गया था, जिसके कारण से जो है आपका कंपटीशन जो है बढ़ गया है। तो वही चीज़ यहाँ भी होने वाला है, टाइम जो है ज़्यादा मिल गया इसलिए कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ गया है NTPC में। तो जो भी लोग जो मेंस का तैयारी कर रहे हैं, पूरी अपनी लगन से पूरे स्ट्रेटजी के साथ करें, हर सब्जेक्ट को उतना वैल्यू दें, मतलब जितना वो हकदार है। जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, GK GS हो गया, करंट हो गया, ये 4 प्रकार का टॉपिक है, मेनली 4 टॉपिक है। तो इस चारों टॉपिक को जो है उसका जो होना चाहिए टाइम देना चाहिए, सब में जो है टाइम दीजिए। उसके बाद में जो पढ़ाई करने का जो एक टेक्निक है ना, वो आप अपने से खुद से, सबका पढ़ाई करने का जो टेक्निक होता है या तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है, तो आप खुद जो है उसको बढ़िया से, लेकिन हाँ सब पे जो है टाइम दे के, समय दे करके पढ़िएगा किसी चीज़ को। ये नहीं कि अब कोई भी चीज़ को पढ़ रहे हैं, जैसे मान लेते हैं सेट भी अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सेट प्रैक्टिस करने के बाद जो क्वेश्चन या गलत किए हों या सही भी किए हों, उसको भी जो है टाइम दे करके पढ़िए। और पढ़ने का एक ही टेक्निक होता है कि जिस टॉपिक को जितना ज़्यादा टाइम दीजिएगा वो आपके लिए उतना आसान होता जाएगा। तो एक तो ये हो गया, दूसरा चीज़ है उसके बाद जो है BPSC का एग्ज़ाम होना है अप्रैल में। तो अगर आपका NTPC में अगर GK पे अगर ठीक ठाक फोकस करते हैं, तो ये चीज़ वहाँ पे भी आपको फ़ायदा करेगा। पूर्ण रूपेण तो फ़ायदा नहीं करेगा, क्योंकि इसका सिलेबस अलग है, उसका सिलेबस अलग है, क्योंकि उसमें आपको करंट अलग लेवल का पढ़ना है। उसके बाद फिर आपको करंट अलग लेवल का तो पढ़ना ही है, फिर उसके बाद उसमें आपको बिहार का GK पढ़ना है, फिर उसके बाद उसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है, फिर उसके बाद उसमें जो है आपको कुछ कुछ ऐसा चीज़ है जो अलग पढ़ना है। BPSC और NTPC दोनों डिफरेंट हो जाता है। उसमें जो है GK की बात कर रहे हैं, मैथ और रीजनिंग तो दोनों अलग अलग हो गया, उसका जो है 10 को मात्र 10 ही मैथ पूछेगा, इसमें जो है आपको 35 मैथ पूछना है, तो दोनों का डिफरेंट सिलेबस हो गया। लेकिन जब आप NTPC का GK पढ़िएगा, तो वो चीज़ कुछ ना कुछ जो करंट पढ़िएगा तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे फ़ायदा करेगा। लेकिन पहले अगर NTPC का एग्ज़ाम होगा, तो पहले इस पे फोकस करना है, फिर बाद में BPSC पे फोकस करना है। और भी अगर कुछ आपके दिमाग में अगर हो, लगता हो किसी टॉपिक में कहीं अगर गड़बड़ हो, या कहीं कुछ पूछना चाहते हैं, या कहीं कुछ बताना भी चाहते हैं, तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और बहुत दिनों के बाद जो है वीडियो बना रहे हैं, बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहे थे, बात नहीं हो पा रहा था आप सभी से। तो और जिनका भी BSC में जो रिजल्ट है, तो वे लोग एक चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जो लोग का रिजल्ट है और NTPC में भी रिजल्ट है, तो फोकस कीजिए NTPC पे, नहीं तो फिर जो है दिक्कत हो जाएगा। अगर उधर नहीं होता है तो फिर इधर भी जो है मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए
जिनका रिजल्ट है वे लोग फोकस करें एनटीपीसी पे। और अभी दरोगा का भी एग्ज़ाम है, वो भी आपके लिए बेनिफिट है। उसके बाद फिर आपको जो है दरोगा के बाद अभी कितना का ग्रुप डी भी होना है सबका, ऑलमोस्ट जितना सारा स्टूडेंट होगा ऑल सबका ग्रुप डी भी होगा, तो उस पर भी फोकस करें। तो जितना भी अभी एग्ज़ाम है सबका सिलेबस कहीं ना कहीं अलग अलग, थोड़ा ना थोड़ा सबका डिफरेंट हो जाता है। तो पढ़ाई के क्रम में सब सब्जेक्ट को पूरे जो है शिद्दत के साथ पूरे समय दे करके उसको पढ़िए। ये नहीं कि एकदम थर 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 दर वर दर पढ़ लिए, वैसा कुछ नहीं है, एकदम आराम से शांति से। क्योंकि हम इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत सारे लड़की को देखते हैं कि जितना जल्दी आप पढ़िएगा उतना जल्दी भुलाइएगा, इसलिए जितना ज़्यादा टाइम दे करके पढ़िएगा उतना ज़्यादा आपको याद भी रहेगा। तो ऐसी चीज़ को ध्यान देना है। चलिए, और भी कुछ होगा नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा, उस पर सोचेंगे वीडियो बनाने के लिए। वैसा होगा तो वीडियो बना देंगे। ठीक है, धन्यवाद।